व्हाट्सअप गाइस, आज दोस्तों आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A13 में दोस्तों आपने स्मार्टफोन में ऐप्स को लॉक कैसे लगा सकते हैं और ऐप्स को हाइड कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपको सेटिंग में आना है। दोस्तों प्रॉब्लम तो तब आती है जब दोस्तों हमें ऐप लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता। हाइड ऐप्स का ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाएगा सैमसंग के फ़ोन में, लेकिन दोस्तों ऐप लॉक का नहीं मिलता, जिसके बारे में दोस्तों मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले हम हाइड ऐप्स को हाइड कर लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग में आ जाना, आपको चले जाना दोस्तों होम स्क्रीन के ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ पर हाइड ऐप्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है, तमाम के तमाम ऐप्स हैं वो आपके पास यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो आपने दोस्तों क्या करना है, किसी भी ऐप को फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डन पर दोस्तों मैं क्लिक करूँगा तो वो जो एप्लीकेशन है दोस्तों 8BallPool जो कि हमारे पास डेस्कटॉप पर पहले मौजूद थी, यहाँ पर दोस्तों आप जैसे यहाँ पर मौजूद थी जो कि अब हमारे पास शो नहीं हो रही। तो इस तरह से ऐप्स को कर सकते हैं हाइड। अब दोस्तों बारी है ऐप को लॉक करने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है ऐप लॉक प्रो, बहुत ईजी दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इसको करने के बाद। और इसको दोस्तों जब हाइड कर दें किसी ऐप को तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपके स्मार्टफोन में कोई एप्लीकेशन वगैरह पड़ी है और आपने ऐप्स को हाइड किया हुआ है। इसके बाद मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, आपको इसे कस्टमाइज कैसे करना है अच्छे से देख लीजिए। मैं वाईफाई को ऑफ करता हूँ ताकि हमें एड्स वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेना है। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर दोस्तों मैंने सेलेक्ट पासवर्ड सेट कर दिया 8 डिजिट का। तो आपने कोई भी सेलेक्ट कर कोई भी पासवर्ड यहाँ पर पुट करना है। तो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ये सेट किया है। क्रिएट पर मैं क्लिक कर लूँगा दोस्तों। इसके बाद अगेन हमें रिपीट करना है यही वाला पासवर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों हो चुका है कंप्लीट। सेव पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है सीक्रेट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है सेलेक्ट सीक्रेट आंसर। यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका सेकेंडरी पासवर्ड है, मींस के आप फर्स्ट पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो सेकेंड पासवर्ड के तौर पर ये काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जकी लिख देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट पासवर्ड जो मैंने डिजिट में सेट किया था अगर मैं भूल जाता हूँ तो यहाँ पर जो पासवर्ड मैंने सेट किया वो काम आएगा। सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस ऐप को परमिशन आपको देनी है। एरो पर दोस्तों आपने क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद मैं क्रॉस कर दूंगा तो यहाँ पर लिखा है ऐप लॉक प्रो, इसको दोस्तों अनेबल कर दीजिए। इसके बाद मैं परमिट एक्सेस यूजर स्टेटस पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। और इसके बाद ऐप लॉक प्रो पर क्लिक कीजिए, इसको भी दोस्तों अनेबल कर दीजिए। इसके बाद आप रहे दोस्तों, ये इसका जो इंटरफेस है अब दोबारा से आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर पासवर्ड सेट किया था, उसे हमने यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर उसको लग चुका है। इसके बाद इसका इंटरफेस हमारे पास ओपन आ चुका है। तो यहाँ पर उसको ओके कर देना है। इसके बाद तमाम के तमाम जो ऐप्स हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। तो किसी को भी सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट निंजा जो गेम है इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये लॉक हो चुका है। ये अनलॉक का ऑप्शन है, ये लॉक का। तो लॉक में दोस्तों ये सभी जो ऐप्स हैं आपके पास यहाँ पर लॉक शो हो रहे हैं। तो आप चाहें तो दोस्तों जिसको भी चाहे लॉक रखते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको फ्रूट निंजा गेम है इसको मैं करके दिखाने वाला हूँ, बाकी सभी को दोस्तों मैं अनलॉक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करते ही आपको ये प्रोसेस दोस्तों सिर्फ एक बार करना है, इसके बाद आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों फ्रूट निंजा हो चुका है लॉक। अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर और यहाँ पर गेम मौजूद है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास जो पासवर्ड है वो मांगा जा रहा है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मेरा जो मोबाइल है वो रोटेट पर लगा हुआ है, तो इस वजह से आपको जो इंटरफेस है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो रोटेट ऑप्शन को दोस्तों मैंने ऑफ कर दिया, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रोटेट पोर्ट्रेट का ऑप्शन मौजूद है, इसको दोस्तों आपने ऑफ कर देना है। ये कॉर्नर मौजूद है तो इसको दोस्तों मैंने ऑफ कर दिया। इसके बाद स्मार्टफोन है हमारा सेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो पुट कीजिए, तो इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब दोस्तों बारी है इसे हाइड करने की। सेटिंग में आ जाना है, अगेन वहीं से जाकर हम होम स्क्रीन में जाकर इसको दोस्तों हाइड कर देंगे ताकि किसी को भी कोई आइडिया ना हो कि हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है और इसे दोस्तों हमने लॉक भी किया हुआ है और हाइड भी किया हुआ है। अब दोस्तों मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर डन पर मैं क्लिक कर तो डेस्कटॉप पर आपको कहीं पर भी वो एप्लीकेशन नज़र नहीं आएगी, ऐप लॉक प्रो, जिसको यूज़ करके मैंने ऐप्स को लॉक किया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।